हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि ईशान ने दुर्वा की बदतमीजियों के लिए मांगी सवी से माफी, तो वहीं ईशान के खाते सवी ने रिसेप्शन पार्टी में ईशान की दुल्हनिया के तौर पर की धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ राव साहेब ईशान और सवी की रिसेप्शन पार्टी भोसले निवास में रख लेंगे और ईशान से ये साफ साफ कह देंगे कि सवी को अच्छे से समझा देना कि वो अच्छे से तैयार होके पूरे साजो श्रृंगार के साथ नीचे पार्टी में आए, क्योंकि मीडिया वालों के साथ साथ कई सारे वीआईपी गेस्ट भी आएंगे और हमारे पास यही मौका है अपनी गई हुई इज्जत को वापस लाने का। तो वहीं ईशान सवी के पास जाएगा और कहते हुए नजर आएगा कि सवी आज हमारा रिसेप्शन है, तो प्लीज़ तुम तैयार होके नीचे आ जाना। जहां सवी ईशान से साफ साफ इनकार कर देगी कि वो नहीं आएगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां ईशान सवी को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि प्लीज़ सवी मान जाओ, अब ये बात मेरे परिवार की इज्जत की है, मैं नहीं चाहता जो आज कॉलेज में हुआ वो बाहर कहीं भी हो, इसलिए पब्लिकली हमें अपनी शादी को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब तुम्हारे हाथ में है भोसले परिवार की इज्जत, अब आगे जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर लो। जहां सवी ईशान की कुर्बानियों को याद करने लग जाएगी और उसे एहसास हो जाएगा कि उसे भी ईशान के लिए कुछ करना चाहिए। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां सवी ईशान की खातिर होने वाली है तैयार और करने वाली है ज़बरदस्त तरीके से अपना मेकओवर, तो वहीं सवी पूरे साजो श्रृंगार के साथ अच्छे से तैयार हो जाएगी। जहाँ ईशान सवी को अपने साथ ले जाने के लिए जैसे ही कमरे में आएगा और जैसे ही वो सवी को देखेगा तो दो मिनट के लिए उसे देखता ही रह जाएगा। सवी इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये वही सवी है। तो वहीं दोस्तों, शो की कहानी दिलचस्प होने वाली है जहां रिसेप्शन पार्टी में उड़ जाएंगे सबके होश। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।